देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। यूपीएससी की परीक्षा पास करके आए अधिकारियों को क्या नहीं पता होगा कि वो एक ऐसे शासन में काम कर रहे होंगे जहां उनकी प्राथमिकता सूची में गौ सेवा और गौशाला सबसे ऊंची। लेकिन ये जिनका काम है उनको भी कहां पता था कि सालों की पढ़ाई के बाद महज गाली खाए और बाद में ट्विटर पर संयुक्त रूप से अभियान चलाए। वेटरनरी डॉक्टर जानवरों का इलाज तो बाद में करें, पहले वो अपने आप इस सम्मान को किस तरह बचाए इस पर विचार। आधा महीना हो चुका है, वेटरनरी डॉक्टर एक गालीबाज सांसद से माफी मांगने को कह रहे हैं, लेकिन अहंकार की चाशनी में डूबी मैडम सांसद मेनका गांधी जी पूरे विरोध से भाग। ये कुछ तस्वीरें हैं, बाजू वाली खिड़की में आपको दिख रही होंगी, मुझे ट्विटर पर टैग कर लगातार शेयर की जा रही है। तस्वीरें साझा करना वाजिब लगा सो कर रहा हूं। तस्वीरों में वेटरनरी डॉक्टर बड़ा बेसिक सवाल कर रहे हैं कि गाय इस तरह से मर रही है, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वेटरनरी डॉक्टर इन बेजुबानों के भगवान, लेकिन फिर एक सांसद इन्हीं बेजुबानों के भगवान को खुद के अहंकार में गाली देती और उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये हमारे देश का दुर्भाग्य और कुछ मुझ पर अन्य मुद्दों को भी उठाने की मजबूरी है, लेकिन मैं इस मुद्दे को नहीं छोड़ूंगा जब तक मेनका गांधी जी का मीडिया मैनेजमेंट उनको यह नहीं बता देता कि मैडम माफी मांग लो, नहीं तो काविंद्र चौहान इस अभियान को दम तोड़ने नहीं देगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और बैंगलोर से लेकर बिहार तक यह अभियान यूं ही चलता रहेगा। तो बात बिहार पर आ गई, तो चलिए बिहार चलते। बिहार में आज आरजेडी ने अपने 25 साल पूरे कर लिए। इस पार्टी को खड़ा करने वाले शख्स का नाम है मास्टर लालू प्रसाद यादव। मास्टर इसलिए बोला क्योंकि राजनीति के मास्टर। लालू जब पैदा हुए थे तो गोल बटोल थे, इसलिए माता पिता ने नाम रख दिया लालू। वैसे बिहार में आज भी किसी से उसका नाम पूछो तो पहले अपनी जाति बता ले, और अगर लालू पूछो तो उससे पहले उसे समस्या हो जाती है कि आलू बोला कि लालू बोला, फिर वो सुनता है कि लालू। वहां के लोग कहते हैं कि गोपालगंज की धूसर मिट्टी से निकलकर बिहार की सियासत के डीएनए को बदल कर रख देने वाला इकलौता आयाम था लालू यादव। सिस्टम पर जाति की धमक से सवार, बिहार के हाल को बेहाल करने वाला माई का लाल था लालू। गरीबों का मसीहा, पिछड़ों का पोस्टर बुआए, ऐसा बिहार के लोग कहते हैं। किसी पलवाड़ी की दुकान या किसी आटा चक्की वाले के यहाँ या मकान या कहीं भी आप खड़े हो जाएंगे तो उस तरीके की बातें चार लोगों ने खुद। खैर, 2014 के बाद से टीवी पर प्रधानमंत्री का संबोधन आम हो गया है। प्रधानमंत्री न्यूज चैनलों पर छाए रहे, गांव देहात का बच्चा भी प्रधानमंत्री का नाम जानता है क्योंकि अब चैनलों की धमाल। और प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि कब कहां क्या किससे क्या हो। पर एक बार जरूर सोच कर जरूर देखिएगा, जब 90 के दशक में सिर्फ दूरदर्शन का जमाना, उस दौर में सिर्फ एक चैनल के रास्ते पूरे भारत में लोकप्रियता हासिल करना कितना मुश्किल है। जेल और अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते अब लालू प्रसाद यादव कमजोर जरूर हो गए, लेकिन एक लंबे समय से बिहार की राजनीति की एक जिंदा कहावत है। लालू प्रसाद जानते हैं कि राजनीति में शून्य से शिखर तक जाने का तरीका क्या है और अपने प्रिय लोगों को भी कैसे शिखर तक पहुंचाया जाता है, यह गुण सब में नहीं। तारीख 11 जून 1948 को गोपालगंज के फुलवरिया गाँव में किसान परिवार में जन्मे लालू प्रसाद यादव। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति आंदोलन में एक बेहद सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उभरे। पिता कुंदन राव, माता की मराशिया देवी। लालू प्रसाद ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम रखा मीसा। मीसा आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम नाम था, समझा? और आपातकाल के दौरान यह अधिनियम बहुत कुख्यात, और इसी अभियान अधिनियम के अधिनियम के तहत इंदिरा विरोधी लोगों को जेल। अपने इंदिरा विरोधी तेवर से लालू प्रसाद पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के करीबी हो गए, समझिएगा, चंद्रशेखर के करीबी हो गए। लेकिन उनकी राजनीतिक सूझबूझ देखिए कि एक समय आया जब वही लालू प्रसाद धीरे 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 सोनिया गांधी के करीब और बहुत प्रिय थे। उन्हें सोनिया गांधी ने रेल मंत्री बनाया। ये भी आज की बात बता रहा हूं आपको कि आज के समय में लोग ये सोचते हैं कि जब बाकी देशों में यहाँ पर वो ट्रायल्स चल रहे थे इसलिए बुलेट ट्रेन, तब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, कुल्लड़ में चाय बंटवाते तो लोग कुल्लड़ में चाय को लेकर उनकी प्रशंसा करते। ये थे बिहार के लालू। खैर, ये कला उन्हीं लोगों में थी, प्रबल विरोध करके चमक पैदा की, बाद में जिसका विरोध किया उसके प्रीत बन जाए।
लालू प्रसाद यादव ने अपनी प्राथमिकता पढ़ाई गोपालगंज से की। कई लोग जानते हैं आगे की पढ़ाई उन्होंने पटना की बीएड कॉलेज से, पटना विश्वविद्यालय गए, फिर लॉ में ग्रेजुएशन किया। लालू यादव ने अपनी सबसे पहली नौकरी बिहार के पशु चिकित्सा कॉलेज में एक क्लर्क के रूप में शुरू, लेकिन यह नौकरी उन्हें रास नहीं आई, नौकरी छोड़कर वे राजनीति। अब यहाँ एक चीज बताना चलता हूँ बात कि लालू प्रसाद यादव जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो वो अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, और उनके बड़े भाई उसी कॉलेज में चपरासी, समझ गए, वो जिनके साथ रहते थे उनके बड़े भाई थे, बड़े भाई चपरासी थे। तो क्या पता था कि उनके साथ रहने वाला ये छोटा भाई होगा एक दिन उस राज्य की सत्ता पर राज करेगा जहां पर आलू भी के नाम से जाना जाता। कहते हैं ना बिहार में जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक बिहार की सत्ता में रहेगा लालू। तो आज राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस समारोह मौके पर पार्टी के तमाम नेताओं के साथ लालू प्रसाद यादव ने की अपनी बात, पर लालू के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव का संबोधन चर्चा का विषय। तेज प्रताप वही तेज प्रताप है जो कभी मथुरा के वृंदावन में दिखाई देते हैं, वही तेज प्रताप है जो कभी माथे पर वो तीर तिलक लगा कर घूमते हैं, वही तेज प्रताप है जो अपने बयानों के लिए काफी चर्चा में रहते हैं। तेज प्रताप ने आज अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को एक साथ कई संदेश देने की कोशिश की। तेज प्रताप ने अपनी तुलना अपने पिता लालू प्रसाद यादव से करते हुए उनके जैसा छवि का नेता बताया। खुद तेज प्रताप ने अपने भाषण के जरिए लोगों को बताना चाहा कि लालू की पूरी छवि उनमें ही। अपने भाषण में आरजेडी नेताओं को लपेटे में लेते हुए सावधान कैसे, वो बोलने ही जा रहे थे कि कुछ लोग हैं जो पार्टी के खिलाफ भी काम करते हैं, माइक में आवाज आई। तभी तेज प्रताप यादव बोले कि जब भी मैं सच बोलता ऐसे ही माइक आवाज करता। सब लोग घर से बातचीत हंसी में टल गई। लालू के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने भाषण की शुरुआत करते ही लोगों से कहा कि मैं लालू जी की तरह ही लोगों का मनोरंजन भी करता हूं। लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीति जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से, तो मैंने भी उसी बीएड कॉलेज में एडमिशन जहां पिताजी पढ़ते, मैं उसी बेंच पर बैठता था जहां पिता बैठते। ये भावुक बातें भी आप एक तरीके से ले सकते हैं इनको, जो तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप ने आगे कहा कि मैं आरजेडी में रहकर छात्र संगठन को मजबूत कर रहा हूं। लालू जी के बोलने पर लोग हम पर हंसते, ऐसा उन्होंने कहा कि लालू जी जब बोलते हैं तो लोग हम पर हंसते, लोग हमारा मजाक बनाते, लेकिन यही लालू जी जब पहले बोलते थे तो इन पर विरोधी हंसते थे, उन पर भी हंसते थे, मुझ पर भी हंसते। मतलब तेज प्रताप यादव की जो पूरी स्पीच उसमें कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था कि तेज प्रताप यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हूँ उनके पिता की छवि, चाहे वो मनोरंजन की बात हो चाहे वो और अन्य बात हो। वैसे बिहार के लोग तभी जुबान से कह ही देते कि तेज प्रताप आने वाले समय राजद के नायक जैसे आज लालू या तेजस्वी को माना जाता। गवई और इनका ठेठ अंदाज इनकी राजनीतिक जीवन में इन्हें मुकम्मल जहां दे। फिलहाल हम कार्यक्रम को आराम देते हैं और कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करते, कल एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे बात होगी, खूब बात हो। लेकिन मेनका गांधी जी, आपको मैं छोड़ने वाला नहीं, मुद्दा कोई भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या जेड, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि इस पूरे एबीसीडी में एक एम जो है वो हमेशा टॉप पर रहेगा, एम फॉर मेनका गांधी। सी यू टुमारो, गुड नाइट।